हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रिक्वेस्टेड वीडियो, और ये है मटर पनीर। मटर पनीर बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इसको बनाने के, और जितनी भी तरीके से बनाएंगे आप इसको, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में, क्योंकि मटर का जो पनीर के साथ कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन ही बहुत डिलीशियस है। तो मैं इसे अपने स्टाइल से आज आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 बड़े चम्मच तेल को हीट कर लिया है, और उसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, रफली चॉप किया हुआ है, और उसके बाद उसको ऐड कर दिया है। तो ज़्यादा देर तक इसको हमें नहीं पकाना है, मतलब कि हमें इसका बिल्कुल कलर डार्क नहीं होने देना है, बिल्कुल हल्की ट्रांसलूसेंट जब ये होने लगती है सुनहरे से रंग की, तब तक ही इसको पकाना है। तो इसको लाइटली सॉटे करते हैं, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम बाकी की चीज़ें। तो अब जबकि प्याज हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो गई है, तो इसमें मैंने ऐड करा है 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मिक्स कर देते हैं। और इसके साथ साथ अब इसमें जा रहे हैं ये 2 मीडियम साइज के टमाटर जो मैंने रफली स्लाइस कर रखे हैं, और उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। तो टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट करना है हमें, बिल्कुल कंप्लीटली इसको हम मैश नहीं करेंगे टमाटर को, बिल्कुल हल्का सॉफ्ट जब ये होने लग जाएगा तभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। लेकिन उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर नमक, क्योंकि नमक ऐड करने से बहुत जल्दी टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं, और साथ साथ इसको 1-2 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। उससे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 2 कटी हुई हरी मिर्चें, तो अच्छा स्पाइसी टच ऐड कर देती हैं वो इस मिक्स में, तो इसलिए ये हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं इसमें। अब इसको ढक्कन ढक देते हैं और 1-2 मिनट तक इसको सॉफ्ट होने देते हैं। तो इस तरीके से जब हम प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को भूनते हैं गरम तेल में, तो उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ऐसे तो सिंपली हम कच्चे प्याज को ही ब्लेंडर में चलाकर और तेल में डायरेक्टली भून सकते हैं, इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका टेस्ट एनहेंस करना है हमें, तो हम इस तरीके से पहले इसको अच्छे से पकाते हैं तेल में, और उसके बाद इसका प्योरे बनाते हैं। वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है और बहुत ही डिलीशियस लगता है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये आप देख सकते हैं टमाटर लाइटली सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, ठंडा करके इसको ब्लेंडर में चला लिया है, और इस तरीके का एक प्योरे बना लिया है इसका। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा प्योरे, और अब हम इसी से प्रिपेयर करेंगे जो मटर पनीर की बेस ग्रेवी है हमारी वो, और वो ऑब्वियसली बहुत डिलीशियस बनती है क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से भुने हुए चीज़ें हैं, और सिंपली उसका प्योरे बनाया हुआ है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट करती है। तो अब कढ़ाई ले ली है मैंने, कढ़ाई में ऐड करा है 2 बड़े चम्मच तेल, साथ साथ उसमें जा रहा है ये 1.5 चम्मच जीरा, जीरे को हल्का सा स्प्लटर होने दिया है मैंने, और उसके बाद मैं अब इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच लाल मिर्च, और क्योंकि गरम तेल है और हम इसमें लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं, तो जैसे ही आप लाल मिर्च ऐड करें सीधा ही इसमें ऐड कर देना है आपको प्योरे जो आपने ब्लेंड करके रखा हुआ है। तो हल्का सा मिक्स करा और ये ऐड कर दिया हमने ब्लेंडेड प्योरे, और देखिए इससे बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाता है। तो लेकिन आप इस टाइम हल्दी ऐड ना करें, सिर्फ लाल मिर्च ही ऐड करें, और उसके बाद सीधा ऐड कर दें ये प्योरे, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब बाकी के मसाले भी इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे कि 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो जब हम प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक को भूनते हैं शुरू में, तो आप चाहें तो उसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ना काजू प्रेफर करती हूँ मटर पनीर में ऐड करना, ना क्रीम, क्योंकि हर डिश का अपना एक एसेंस होता है, और मटर पनीर जो है वो थोड़ा देसी स्टाइल में अच्छी लगती है। उसको भी हम एग्जैक्टली अगर शाही पनीर स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फिर कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा सारी सब्जियों में। तो इसको थोड़ा देसी स्टाइल से बनाएं, बिल्कुल लिमिटेड चीज़ों का इस्तेमाल करके जो इसका देसी टच है वो मेंटेन करके बनाएंगे तो ज़्यादा डिलीशियस बनती है ये। तो अब ये ऐड करने के बाद मसाले सारे ऐड कर दिए, अब इसको हम ढककर पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं, जो हमारी प्योरे है टमाटर प्याज की उसके साथ। तो थोड़ी देर के लिए ढक देंगे इसको 2-3 मिनट तक के लिए, और उसके बाद हम इसको ढक्कन हटाकर भूनेंगे काफ़ी देर तक, यानी कि जब तक बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो जाती, ये आधी क्वांटिटी नहीं रह जाती जितनी अभी है उससे आधी, और साथ साथ जो है इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यानी कि अभी जो आपको ऑरेंज ऑरेंज सा इसका कलर दिख रहा है वो कम्प्लीटली रेड हो जाएगा, और बहुत सारा ऑयल लूज आउट हो जाएगा इसमें से, तब तक हम इसे भूनेंगे, जिसमें करीब 5-7 मिनट आपको लग जाएंगे। हाई फ्लेम पे इसको लगातार भूनना है और साथ साथ कंटिन्यूसली इसको चलाते जाना है। तो आप देख सकते हैं कलर इसका पहले जो था वो अब नहीं है,
काफ़ी डार्क होने लग गया है कलर, और साथ साथ ऑयल भी यूज़ होने लग गया है और क्वांटिटी कम होने लग गई है। और ये थोड़ी देर और भुना है तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑयल छोड़ दिया है इसने और कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो क्या डिफरेंस आता है इस तरीके से भुनने के में, वो मैं आपको दिखाती हूँ कंपेरिजन करके। तो ये आप देख सकते हैं, ये पहले इस तरीके का था और जब हमने इसको काफ़ी देर भून लिया तो वो इस तरीके का हो गया, और कलर भी डिफरेंस है, साथ साथ ऑयल भी बहुत अच्छे से यूज़ आउट हो गया है और क्वांटिटी भी बिल्कुल हाफ हो गई है। तो ऐसे ही भूनना है आपको इसको कि ये इतना रह जाए और इस तरीके का हो जाए। तो अब आप देखिए ऑयल अच्छे से बिल्कुल यूज़ आउट हो गया, तो हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर भी साथ साथ और मटर भी। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर का इस्तेमाल करा है, तो मैं जो पनीर यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ वो है फ्रोज़न पनीर, इसलिए मैंने उसको साथ साथ मटर के ऐड कर दिया है। लेकिन अगर आप फ्रेश पनीर का इस्तेमाल करते हैं या घर में निकाला हुआ पनीर इस्तेमाल करते हैं तो आप पहले 2-3 मिनट मटर को अच्छे से भून लें, पका लें, और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में ऐड करें पनीर। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं दोनों को साथ में भूनना प्रेफर करती हूँ। तो ये अच्छे से मिक्स कर दिया है, मटर भी साथ में ऐड करके, पनीर भी, और अब इसको हम पकाएंगे साथ में ही। तो ये पहले अच्छे से मिला देते हैं सब चीज़ों को, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। पानी इसलिए ज़्यादा ऐड कर रही हूँ कि एक तो हमें मटर भी पकानी है, पनीर भी पकाना है, और साथ साथ थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रखनी है हमको। तो अगर आपको बहुत थिक पसंद है तो आप कम कर सकते हैं पानी की क्वांटिटी। तो मिक्स कर दिया है ये सब चीज़ों को, और अब ढक्कन लगा कर इसको हम पकाएंगे करीब 4-5 मिनट तेज़ आँच पर, ताकि बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो जाए इसमें से और अच्छी तरह से मटर और पनीर हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको 5 मिनट अच्छे से पका लिया है, बीच में एक बार चला दिया था ढक्कन हटाकर, और ये बिल्कुल अच्छे से ऑयल ऊपर सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम ऐड करेंगे हम फाइनल इसमें टच, जो कि है गरम मसाला। तो इसमें जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला और साथ साथ इसमें जाएगा कटा हुआ बारीक धनिया। और बस अब हम इसको मिला देंगे अच्छी तरीके से, और हम इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और आप देखिएगा कि इसका कितना बढ़िया कलर आता है, ना तो इसमें आपको कोई क्रीम ऐड करने की ज़रूरत है, ना ही आपको इसमें कोई काजू ऐड करने की ज़रूरत है, ना ही अलग से फ्लेवरिंग ऐड करने के लिए कोई फेनुग्रीक सीड्स यानी कि ड्राइड कसूरी मेथी कुछ ऐड नहीं करना है आपको इसमें। सिंपल इस तरीके से एक बार आप इसको बना के देखिए और इसका टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा उम्दा लगेगा, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस। तो मिक्स कर दिया है सब चीज़ों को, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी टेक्सचर है ग्रेवी का, बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो इसको 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे और पकाएंगे सर्व करने से पहले, ताकि अच्छी तरीके से ऑयल सेपरेट हो जाए, और जब सर्व करें तो देखने में थोड़ी लाल लाल लगती है ये ग्रेवी, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये आप देख सकते हैं 1 मिनट मैंने पका लिया है, ऑयल फिर से ऊपर सेपरेट हो चुका है, और ये देखिए आपकी क्या बढ़िया कलर आया है इसमें और कितना बढ़िया टेक्स्चर है इसका। कोई भी चीज़ें ऐसे ही ऐड नहीं करी गई हैं इसमें जो कि बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल हो, सिंपल घर में अवेलेबल मसालों के साथ और प्याज टमाटर अदरक लहसुन के साथ बनी हुई ये सब्ज़ी है मटर पनीर की, जो कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट से, हलवाई से, किसी से भी कंपेयर कीजिए आप, ये किसी से कम नहीं लगेगी। और एक बार आप बनाएंगे तो आप ज़रूर से इस डिश को बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस। बहुत ही डिलिशियस बनकर आती है। तो इसको करते हैं प्लेट आउट, 2 मिनट ढक्कन ढक दिया था ताकि जो गरम मसाले का फ्लेवर है वो अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए, और उसके बाद इसको मैंने प्लेट आउट कर दिया है। बिल्कुल बनकर तैयार है ये डिलिशियस मटर पनीर, इसको आप चाहे तो चपाती के साथ, चाहे तो पराठे के साथ, पूरी के साथ, बहुत ही डिलिशियस लगता है ये, या फिर आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, या फिर ज़ीरा राइस, बॉयल्ड राइस, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं ये डिलिशियस मटर पनीर। तो आई होप आपको ये सिंपल रेसिपी पसंद आई हो, जिसमें मिनिमम से मिनिमम चीज़ें इस्तेमाल करी गई हैं और बनाया गया है ये लाजवाब मटर पनीर। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है और ईजी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और साथ साथ अगर मेरे चैनल की वीडियोज़ आपको आती हैं पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस आ रही हैं पसंद, अगर आ रही हैं आपको मेरी वीडियोस पसंद तो ज़रूर से लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे, गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।